सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे से फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस डाल दो, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है टर्म टू के लिए जो करके हम पास हो जाएं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट डाल चुका हूँ, बच्चों को वो भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। देन मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की लिस्ट डाली, वो भी बच्चों को ज़्यादा लग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं यार सर किसी भी तरीके से आप इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बता दो, एटलीस्ट वो कर लें, क्योंकि किसी का एग्जाम कल है, किसी का परसों है, या वट एवर, कोई भी किसी भी दिन है आपका एग्जाम। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ही लेके आया हूँ। तो 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है टर्म टू की फिजिक्स की आप लोगों के लिए क्लास 11 की, जो करके आप लोग पास हो सकते हो। अभी भी उम्मीद मत छोड़ना, ये डेरिवेशंस अगर ढंग से करके जाओगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा इस पेपर में, ढंग से करनी होगी। लेकिन एक एक, मतलब अगर चार नंबर के आए, चार पूरे मिलने चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ही सिलेक्टेड पार्ट कर रहे हो। प्लस आप लोगों को सारे कंटेंट की PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है, अगर आप लोग हो तो आप लोगों को पता ही है चीज, नहीं हो तो ज्वाइन करो, इतना मिस क्यों कर रहे हो आप लोग। बहुत ज्यादा कंटेंट वहां पे अवेलेबल है, आपको कुछ पूछना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसके मीडिया सेक्शन में जाओगे, आप लोगों को सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको कुछ डाउट होता है वहीं पे मैसेज करो, ओपन कम्युनिटी है, सब हेल्प करते हैं। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं कहीं बिजी हूं, बाकी स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस का बहुत डिसेंटली रिप्लाई करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार हमारे डाउट्स जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो रही है। बाकी मेरे को किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए वो भी आप वहां पे देख सकते हो। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो करके आप लोग निकल जाओगे इस पेपर में। सो गाइज, आप लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, कुछ टॉपिक्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। हार्डली मैंने काउंट करे थे 22 या 23 टॉपिक्स हैं, अगर आप ये कर लेते हो टर्म टू में आप लोग पास हो जाओगे, अगर ये ढंग से करके जाते हो तो। बच्चों इससे ज़्यादा प्रिसाइज कंटेंट आपको कोई नहीं दे सकता पूरे यूट्यूब के अंदर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये टॉपिक्स हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कर्व बहुत इंपॉर्टेंट, यंग मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस पे आएगा आपका न्यूमेरिकल। मैं ये भी बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर किस पे न्यूमेरिकल, किस पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। इस पे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आएगा, कर्व बनाना, उसको एक्सप्लेन करना, एंड इस पे आएगा आपका न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ये सारे डेरिवेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौलीज के ऊपर क्वेश्चन आए ऐसा कोई पेपर नहीं बनता, आप लोगों को सीधा बोल रहा हूँ। तो बर्नौलीज और उसके एप्लीकेशन को रट लो, जो मर्जी करो, बट ये आपको आनी चाहिए। देन कैपिलैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अदरवाइज ये सोप बबल और एयर बबल का जो एक्सप्रेशन है, ये सारी की सारी थ्योरी है, इसमें से आपकी सारी थ्योरी फंसने वाली है। एक आधा हार्डली न्यूमेरिकल आएगा अगर आपके टीचर ज़्यादा ही किसी खुंदक में आया एंड ऑल, अदरवाइज इसमें से सीधी थ्योरी है, ये टॉपिक्स में से आपका आ जाएगा बड़े आराम से। ये मैं सारे पेपर्स एनालाइज करके बोल रहा हूँ, काफ़ी स्कूल्स के हो चुके हैं और काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ें देख भी रहा हूँ। उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, बेसिकली आपको सॉलिड सॉलिड करना है वो मेन है, इतना ही। लिक्विड गैसेस भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, लाइक जिसमें अल्फा बीटा गामा का एक्सप्रेशन आया हुआ वो करना है। रिलेशन बिटवीन CP एंड CV करना होगा, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये चार टॉपिक ढंग से कर लो, इस पार्ट को आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मत छोड़ना, ऑलरेडी बहुत कंटेंट उड़ा चुका हूँ मैं इसमें से। थर्मोडायनामिक्स में यही दो टॉपिक है, एज आई सेड के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बता रहा हूँ। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस, इन दोनों में से एक पक्का आ जाएगा पूरे पूरे, मतलब लाइक मैं देख चुका हूँ 95% स्कूल के पेपर्स में आ चुकी है ये चीज़। उसमें बाकियों में थोड़ा बहुत इधर उधर एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया, एक आधा लॉ डाल दिया, लाइक सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि बहुत बेसिक है, ये वीडियो स्पेसिफिक डेरिवेशंस के लिए। देन एक्सप्रेशन फॉर ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बड़ा एक्सप्रेशन है। देन कंसेप्ट ऑफ मेन फ्री पाथ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ स्कूल्स में ये आया हुआ काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये कर लेना बच्चों, इग्नोर मार जाते हो आप लोग, बट ये टेम्परेचर, ये वाला टॉपिक आपको करना होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत आसान सा टॉपिक है, 10 मिनट दोगे वैसे ही खत्म हो जाएगा। देन कम्स आपका लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट बेसिकली, उसके अंदर दो चैप्टर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के अंदर आपको तीन टॉपिक करने हैं, ये कर जो इसमें से फंस जाएगा पक्का, मेरी गारंटी। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स इक्वेशन T=2π√m/k, किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं बोल भी रहा हूँ इक्वेशन, T=2π√m/k, और टोटल एनर्जी इन SHM, इसका एक्सप्रेशन जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करके ये करना है। देन सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन टॉपिक कर लो बहुत होते हैं। देन कम्स आपका वेव्स लास्ट चैप्टर, बच्चों इग्नोर मारते हैं बच्चे, इसमें से आपको ढंग से जो करना है बीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव वेव एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप एंड ऑल आ सकता है, बट चांस थोड़े कम है, बट स्टिल मैंने इंक्लूड ये कर दिया। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप करोगे बीट्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जिसके अंदर इंटरफेरेंस का कंसेप्ट है, और आपका प्रोग्रेसिव वेव का कंसेप्ट, बस।
तो बच्चों आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। इसको अगर आपको अच्छा लगता है और आपको हेल्पफुल लगती है तो फटाफट से इसको शेयर कर देना वीडियो को। एंड अब मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी जो है आप लोगों की कम्युनिटी है उसको भी आप लिंक सेंड कर सकते हो बाकी स्टूडेंट्स को, जो भी आपके पीयर्स हैं वो भी ज्वाइन करेंगे और उनको भी बेनिफिट होगा। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपने ध्यान रखें, बढ़िया से पेपर करो और मेरे को बताते रहो कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।